इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका बेसिक लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे और इसके डिसएडवांटेजेस नुकसानात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइड इंटू अ स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ स्पेशलाइज फंक्शनल एरियाज सच एज अ आईटी, फाइनेंस और अ मार्केटिंग। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स पे बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब उनके जो स्पेशल फंक्शन है, जो उनके स्पेशल काम है, उनके मुताबिक उनको डिवाइड कर देते हैं। उनकी जॉब क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उनके स्किल्स को देखते हुए उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे आपने देखा होना है कंपनीज का सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग होते हैं। एक ऑर्गेनाइज जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्होंने अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया के साथ। मतलब आईटी वालों का काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का काम है कि पैसों का देखना किधर से पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट कितना है, इन चीज़ों का हिसाब किताब करना। मार्केटिंग का काम है लोगों तक चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करना। तो इसी तरह सारे परचेजिंग का काम है कि चीज़ों को, रॉ मटेरियल को खरीद के, प्रोडक्शन का काम है मतलब प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, बनाना। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट को बेचना। तो इस तरह जब एक सूटेबल मैनर के साथ सब डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड होते हैं तो बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। दे बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, मतलब जब एक आदमी है उसको हमने उसको परचेज में डाल दिया है, तो जब वो परचेज डिपार्टमेंट का बार बार काम करेगा या सेल में डिपार्टमेंट में चीज़ें बार बार बेचेगा तो वो उस चीज़ में स्पेशल हो जाएगा। या एक चीज़ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसे डाला हुआ है कोई भी इम्प्लॉय जो है, तो जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा, बार बार एक चीज़ को बनाता रहेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा, उस चीज़ में बहुत माहिर हो जाएगा। आगे है इजी सुपरविजन, मतलब जो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो सारे एक जो उनका ऊपर हेड होता है मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको सुपरवाइज करना इजी हो जाएगा। उन्हें पता होगा यार ये सारों का काम एक जैसा है और अलग अलग से एक एक को समझाना नहीं पड़ेगा, मतलब इजीली उनको सुपरवाइज कर सकेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ वेल, कॉमन सी बात है, जब एक डिपार्टमेंट में एक जैसे लोग काम कर रहे होंगे तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा अच्छी होगी, आपस में उनको पता होगा कैसे काम करना है, किस जगह पर कौन काम करेगा, तो ये भी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, मतलब जो मैनेजर है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉमन सी बात है, उसको पता होगा मैंने इस डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, तो वो उस डिपार्टमेंट पे मेहनत करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को डेवलप करेगा, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। आगे देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आपका जो परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो सिर्फ परचेज में काम कर सकता है, आप उसको सेल में नहीं लेके आ सकते क्योंकि उसके सेल का काम आता ही नहीं, उसके पास उसके स्किल ही नहीं है। अगर आप उसको डाल देंगे उधर तो वो काम तो करेगा पर काम सही नहीं कर पाएगा। जो पहले वाला पर्सन काम कर रहा था वो सही से काम कर रहा था, उसका उसमें तजर्बा था, उसका एक्सपीरियंस हो गया था, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को इधर उधर दूसरे डिपार्टमेंट में आगे पीछे नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। आगे है वर्किंग एंड थिंकिंग ऑन अ सोल, मतलब जो हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो अपना बेनिफिट सोचेगा, वो कहेगा यार मुझे सेल से क्या लेना देना, मैंने अपनी प्रोडक्शन बनानी है। वो मार्केटिंग वाला कहेगा मुझे सेल्स और प्रोडक्शन से क्या काम, मैंने अपनी प्रोडक्शन बनानी है। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। थर्ड पे है डिपार्टमेंट एम्पायर ऑफ अ मैनेजर, मतलब हर एक में गुरूर आ जाएगा, जो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जो उसका हेड है, वो कहेगा यार मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। अभी जो है प्रोडक्शन वाला वो सोचेगा सब काम ही, जो कंपनी की सक्सेस है वो मेरे ऊपर है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि सारी प्रोडक्शन मैं बनाता हूँ। सेल वाला सोचेगा अगर मैं बेचूँ ही ना तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। फाइनेंस वाला सोचेगा अगर मैं पैसे अच्छे तरीके से मैनेज ना करूँ तो। इसी तरह हर बंदा जो होगा ना डिपार्टमेंट का, वो अपने आप में गुरूर आ जाएगा उसके अंदर, वो अपना मतलब अपनी थिंकिंग आ जाएगी, हाई लेवल सोचेगा।
फोर्थ पे है डिक्रीजिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एंड नॉट मिस्टेक अकाउंटेबल। कॉमन सी बात है, तो डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन जब अच्छी नहीं होगी, जब अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो डिपार्टमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छे से रन नहीं होगा, तो वो नॉन प्रॉफिटेबल की तरफ जाएगा, मतलब तरक्की नहीं करेगा। तो जब मिस्टेक देखी जाएगी, ऑनर जो होगा पूछेगा, यार क्या मसला है, क्यों हमारी सेल्स में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो कहेगा यार प्रोडक्शन नहीं सही होती, क्वालिटी नहीं चीज़ की अच्छी। और वो प्रोडक्शन के पास जाएंगे, वो कहेंगे यार इनको बेचना नहीं आता, मार्केटिंग नहीं अच्छी करते, हमें पैसा बहुत कम देते। तो इस तरह जो पता नहीं चलेगा कि किसकी गलती है, हम मतलब जिधर से मिस्टेक है उधर से पकड़ के उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, अकाउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।